जनपद संभल के चंदोसी में गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क ऑक्सीजन वितरित कर दे रही लोगों को जीवन दान। कोरोना काल की इस आपदा की घड़ी में बने देवदूत लोगों की आस में सांस बनकर सामने आई गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी। जनपद संभल के चंदोसी में कोरोना महामारी की त्रासदी के बढ़ते मामलों से आम आदमी बुरी तरीके से टूटकर अब जीवन के उस मोड़ पर आ पहुंचा है जहां हर तरफ ऑक्सीजन वेंटिलेटर दवाइयों आदि की कमी से अपने परिजनों की जान बचाने को प्राण रक्षक संसाधनों की खोज में लोग दर दर भटक रहे हैं। ऐसे में चंदोसी में आजाद रोड पर स्थित पंजाबी समाज गुरुद्वारा कमेटी देवदूत बनकर सामने आई है। अमीर गरीब मजबूर असहाय सभी को फ्री में ऑक्सीजन उपलब्ध कराकर समाज सेवा कर रहे हैं। पूरे शहर में इस नेक काम के लिए सभी लोगों की दुआ मिल रही है। चंदोसी गुरुद्वारा कमेटी के संयोजक सरदार महेंद्र सिंह ने अभी तक की टीम को बताया कि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी सिर्फ मानवता के तहत ये कार्य कर रही है। वहीं गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के गोपाल सिंह ने कहा कि यहाँ पर बिना भेदभाव के जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क ऑक्सीजन का वितरण किया जा रहा है। गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के सदस्य गुरुवचन सिंह ने कहा कि भगवान न करे कि लोगों को फिर कभी इस तरह से ऑक्सीजन बांटनी पड़े। वहीं ऑक्सीजन लेने आए व्यक्ति ने कहा कि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी ये बहुत अच्छा कार्य कर रही है जिससे जरूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध हो पा रही है। मेरा नाम सरदार महेंद्र पाल सिंह और मुझे राजू के नाम से जानते हैं। चंदोसी में जो है गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी आजाद रोड पर ऑक्सीजन का निःशुल्क वितरण कर रही है, तो क्या कहेंगे? मैं गुरुद्वारा गुरु सिंह कंवर चंदोसी का सरपरस्त हूँ और मैं सारा का सारा वितरण का हिसाब जो है हमारी मैनेजमेंट कमेटी देख रही है और इसमें हमारा बच्चों का जो सहयोग है वो सबसे ज़्यादा है, जो वो इधर भाग भाग के कहीं से भी गैस के प्रबंध करते हैं और बंटवाने का काम करते हैं। और ये हमारे गुरुद्वारा जो है सिर्फ मानवता के लिए, कोई भी आए किसी को भी हर समय जितनी भी हम पे गैस होती है वो हम उसे देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ से गैस ला रहे हैं आप? हम का काशीपुर और क्या कहते हैं रुद्रपुर प्लांट होते हैं। अच्छा, अब तक कितने लोगों को गैस दे चुके होंगे आप? हम तकरीबन एक बड़े सिलेंडर में से 9 आदमियों को दे रहे हैं, 8 या 9 आदमी। कितने दिन से बांट रहे हैं हम? ये 4th लोगों को दे चुके हैं अब तक। हम अब तक करीब 100 सिलेंडर के करीब। कहाँ से आए हैं? अच्छा, आप जो ऑक्सीजन ले आ रहे हैं गुरुद्वारे से, ऑक्सीजन मिल रही, तो आप क्या कहेंगे इस विषय में? मैं बहुत ही तारीफ करूँगा अपनी गुरुद्वारा समिति की, हमारी चंदोसी की है, काफ़ी बढ़िया मतलब तरीके से सेवा का लोग कर रहे हैं। सुबह शाम जैसे भी हम पूरी रात भी आते हैं, कभी किसी चीज़ कोई परेशानी नहीं हो रही है, और समय पर हमें ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे हैं। अच्छा, किसके लिए ले आ रहे हैं आप? अपने लेने और अपने भाई के लिए ले आ रहा हूँ। घर पर ही लग रही है ऑक्सीजन? नहीं, डॉक्टर मरीज को लगता है। डॉक्टर मरीज को लगता है तो डॉक्टर साहब के यहाँ गैस की कमी है? हाँ, कमी है। तो यहाँ से आपको मिल पहले प्रोवाइड हो रही है, कोई ना ही कोई परेशानी हो रही, ना ही कोई दिक्कत महसूस होने दे रहे हैं ये लोग, और बढ़िया रूप से मतलब करके हमको ऑक्सीजन प्राप्त करा रहे हैं।